ये रिश्ता क्या कहलाता है में जब चौथा जनरेशन ले पाया तो शो की टीआरपी बुरी तरह से प्रभावित दिखी थी। शो की रेटिंग्स का ऐसा हाल था कि शो टॉप 10 की रेस से भी बाहर हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे शो के ट्रैक ने रफ्तार पकड़ी और शो एक बार फिर से टॉप 5 की लिस्ट में पहुंच चुका है। लेकिन आखिर ये कमाल हुआ कैसे? आखिर मेकर्स ने कौन सी वो 5 गलतियां सुधार ली जिसकी वजह से शो का ट्रैक अब जनता का पसंदीदा बन चुका है? तो आपको भी बताते हैं कि आखिर मेकर्स ने नए ट्रैक में क्या कुछ किया है। नंबर 1, अभिरा अरमान की शुरू की लव स्टोरी। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जैसे ही अरमान और अभिरा की कहानी शुरू हुई तो उसका नुकसान टीआरपी को मिला। फैंस को अभिरा अरमान की जोड़ी पसंद नहीं आई, लेकिन शो में दोनों कैरेक्टर की शादी का जबरदस्त ट्विस्ट आया। अब दोनों की नजदीकियां फैंस को अच्छी लगने लगी है और अब इन दोनों को एक होता देखने के लिए फैंस में भी बेताबी दिख रही है। दोनों की प्यारी नोकझोंक उनकी नजदीकियां जनता को खूब पसंद आ रही है। मेकर्स ने पूरा ट्रैक धीरे धीरे करके लोगों के बीच में बैठाया है और अब ये जोड़ी लोगों की फेवरेट बन चुकी है। दूसरी बात, बोरिंग लव ट्रायंगल किया ठीक। शो में अरमान और अभिरा के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं, लेकिन रूही ने कसम खा रखी है कि वो उन दोनों के बीच में आएगी। रूही अरमान को किसी भी कीमत पर पाना चाहती है। पहले फैंस को ये लव ट्रायंगल पसंद नहीं आ रहा था और काफी बोरिंग लग रहा था, लेकिन अब शो के ट्विस्ट ने इसे मजेदार बना दिया है। वहीं अब फैंस ये भी देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि रूही को जब पता चलेगा कि अभिरा उसी की बहन है तब क्या ट्विस्ट आएगा। तीसरी बात, पुरानी कास्ट को नहीं किया गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है में स्टार कास्ट पूरी तरह से बदल गई है, लेकिन मेकर्स ने पुरानी स्टार कास्ट के कुछ कलाकारों को शो में रोके रखा है, जिसका फायदा टीआरपी में जरूर मिल रहा है। गोयनका परिवार की यादें फैंस को काफी पसंद आ रही है। चौथी बात, सस्पेंस में छोड़ा रोहित का ट्रैक। इस शो में रोहित के ट्रैक को काफी पसंद किया जा रहा था और मेकर्स ने इसका फायदा टीआरपी के लिए उठाया। रोहित को गायब करने से पहले रोहित का सच पता चल गया। अब फैंस सस्पेंस में है कि रोहित वापस आकर क्या कुछ करने वाला है। पांचवी बात, अबीर के नाम से शो को मिला फायदा। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीर का ट्रैक खत्म करना मेकर्स को भारी पड़ा था। अबीर की मौत का सीन लोगों को पसंद नहीं आया था और अब नए ट्विस्ट के साथ अबीर की वापसी होगी। दावा है कि राज अनाथ का शो में नजर आएंगे, वो भी अबीर के रोल में, और अबीर की एंट्री शो को एक नया ही मोड़ दे देगी। बता दें कि ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों टीआरपी की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। शो में आने वाले दिनों में और भी कई सारे ट्विस्ट आने वाले हैं जिससे कि इसकी टीआरपी में और भी उछाल आ सकता है। ये शो टीआरपी में अनुपमा की गद्दी हड़पने में लगा हुआ है। हालांकि देखना ये है कि आने वाले ट्विस्ट से क्या ये शो अनुपमा को भी मात दे पाएगा।